बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान, आज हम खड़े हैं रिक्लेमेशन के पास में। एक बैंड्रा में जश्न मिलन यहां पर रखा गया है और हमारे साथ मौजूद है अजय शेलार साहब, हम उनसे कुछ जानकारी चाहेंगे। बॉम्बे प्रेस में सर आपका स्वागत है। आज जो जश्न मिलन जो रखा गया है, इस बारे में कुछ जानकारी होती है। बैंड्रा सोशल ग्रुप की तरफ से एक बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, ईद मिलन, जिसमें सभी धर्मों के, सभी भाषा के, सभी जाति के हमारे सभी भाई बहन यहाँ पर शरीक हो रहे हैं और एक बहुत अच्छा माहौल, जो अपना देश चाह रहा है एक तरक्की की तरफ आगे बढ़ते समय, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो इस बात को प्राइम मिनिस्टर फिर से दोबारा चुनकर आने के बाद कहा था कि माइनॉरिटीज़ का विश्वास हमको जीतना है और उनको साथ लेकर हमको आगे बढ़ना है। मुझे लगता है उस बात को तामील करते समय इस बांद्रा सोशल ग्रुप के प्रोग्राम में यहाँ आने का मौका मिला, मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। कैसा लगा सर यहाँ पर आपको आके? बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर जो माहौल है और सब लोग एक साथ है, मुझे लगता है अपने आप में बहुत बढ़िया माहौल है। सर एक और एक सवाल था आपसे, जैसा कि अभी सर एक बच्चे के बारे में एक सवाल है, जैसे कि ट्विंकल शर्मा का जो बच्चे का 30 महीने के बच्चे का जो कत्ल किया गया अलीगढ़ में, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, किसी भी क्राइम जो हीनियस है, जो ट्विंकल के बारे में हुआ है, मुझे लगता है कानूनन इतनी बड़ी सजा और बहुत कड़क से कड़क सजा ऐसे गुनहगारों को स्पीडी कोर्ट में मिलनी चाहिए, इस प्रकार की मांग पूरा देश कर रहा है और मेरी भी यही मांग है। सर मोदी सर ने इस बार ट्वीट नहीं किया, इसके बारे में बताओगे आप? राजनीति की बात छोड़ दीजिए, आज जो गुनहगार है उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बॉम्बे हमारे साथ में खालिद साहब भी मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेंगे। जश्न मिलन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे खालिद? सबको एक ही बहुत बहुत मुबारकबाद, ये सोशल ग्रुप बांद्रा सोशल ग्रुप का जो प्रोग्राम है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ पे सब लोग जमा है, सब अलग अलग रीजन के जमा है और हम ये यहाँ पे बिरयानी और शीरकुर्मा एंजॉय करने आए हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ में और एक शख्स जुड़े हुए हैं, आपका शुभ नाम? मुर्तजा, गोल वाला। मुर्तजा जी, क्या कहना चाहोगे जश्न मिलन जो आज रखा गया प्रोग्राम के बारे में? ये बांद्रा सोशल ग्रुप ने ये जो प्रोग्राम रखा हुआ है, ये अमन और भाईचारा का पैगाम दे रहा है और ऐसे प्रोग्राम अगर हर इलाका में होवे तो काफ़ी फायदा हो सकता है। हर एक कौम का फायदा इसमें, बल्कि पूरे देश का फायदा इसमें है। अल्लाह ये प्रोग्राम करने वालों को कामयाब रखे, अल्लाह अपने मुल्क को कामयाब रखे। जैसे कि इस साल में जो प्रोग्राम रखा गया है, हर साल ये प्रोग्राम जो है ऐसा रखा जाता है? जी हाँ, नहीं ये तो पहला, ये किस्म का ये पहला प्रोग्राम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हर इलाके में ये हर कौम ये ऐसे प्रोग्राम रखने की कोशिश करे, जिसकी वजह से आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है बढ़े और जो गलत फहमी है दूर हो जाए। और मैं इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अजय शेलार साहब से हमने ट्विंकल शर्मा के बारे में कुछ सवाल किए थे, तो उन्होंने ये कहा कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चे को जो है न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि बांद्रा सोशल ग्रुप ने जो है जश्न मिलन प्रोग्राम रखा है यहाँ पर बांद्रा में, और हमारे साथ में लेडीज मौजूद है, हम उनसे भी कुछ दो सवाल जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? तस्नीम खान। हाँ, जैसा कि ईद मिलन जो प्रोग्राम रखा गया है, उस बारे में क्या जानकारी देना चाहोगे? उस बारे में ये जानकारी है कि यहाँ के जो लड़के लोग हैं, ये लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं बगैर कोई बैनर के, अगर कोई किसी को इन्फॉर्म किया, लेकिन हर एक के घर मदद पहुँचाना, रिलीफ पहुँचाना और अच्छे बुरा टाइम में साथ देना, जैसे राइट्स का टाइम है, जैसे फ्लड का टाइम हुआ था, सब लोग मेहनत करते हैं और अभी उनको भी सब को एकजुट करना है, हर कास्ट के लोगों को, कि यहाँ पर गलतफहमियाँ बहुत होती है कि इनका है उनका है। तो और अजय शेलार जी जो MLA है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर, तो उनका एक सहारा लेके, उनको भी सपोर्ट करके, उनका भी सपोर्ट लेके, वो चाहते हैं कि सब एकता रहे। ये सिलसिले में हमको बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा पहली बार बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। कितने साल से आप जुड़े हुए सोशल मीडिया इसमें? कितने साल से आप जुड़े हुए? हम 20 साल के ऊपर आ गए, 20-22 साल से जुड़े। 20-22 साल में क्या क्या मतलब काम आप लोगों ने किया? हम अपना नगेत नगर में काम करते हैं, वहाँ के चेयरपर्सन है, स्लम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं,
तो वो वहाँ पर लोगों का घर दिलाना और डेवलपर लाना ये हम कर रहे हैं, लोगों का हक दिलाना। आज बताया जा रहा है कि कुछ बिल्डरों से भी कुछ अपने मतलब काम हम करवाए हैं, बिल्डर से काम करवाए, बहुत रुकावटें आई और लेकिन अभी सुधाकर शेट्टी और ओमकार डेवलपर मिलकर हमारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। से बात करने का बहुत आप कुछ कहना चाहोगे बांद्रा सोशल ग्रुप की तरफ से आए हुए सभी का शुभ नाम। मैडम ने जो काम किए हम उनके साथ हैं, मैंने कंटिन्यूटी उनके साथ पूरा काम करी। मैं लाइजनिंग करती हूँ, मेरा अपना आर के इंटरप्राइजेस कंपनी है, लेकिन स्लम के लिए मैं ज्यादा काम करती हूँ, ज्यादा एक्टिव इनके साथ रहती हूँ। स्लम में पूरी जान हमने डाले है, आज जाकर के डेवलप हो रहा है। आप जो है कितने टाइम से मतलब सोशल वर्किंग कर रहे हो? इनके साथ 94 से आगे के लिए क्या सोचा है आपने? आगे एक गांव बसेगा ये हमारा सपना है, फिर और दूसरे लोगों के लिए सोचेंगे। मम्मी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सुमैया। आप क्या कहना चाहोगे? जी मैं ये कहना चाहूंगी पिछले 25 साल से तस्नीम खान ने जो है बहुत मेहनत की है, उन्होंने बगैर किसी चाहत के उनका कोई फायदा नहीं देखा, उन्होंने दिन रात कुछ नहीं देखा और जिस तरह के भी हालात रहे, लाल मट्टी जो नरकिसदत्त नगर जो है उसको डेवलप करने में वहाँ के रहवासियों के छोटे छोटे उनके घरेलू हालात से लेके उनके बड़े बड़े मसले है सब, हर वक्त ये खड़ी रही, हर तरह से इन्होंने जिस तरह से करती थी, चाहे किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, चाहे किसी की सर्जरी कराना हो, हर तरह से इन्होंने आगे बढ़ के काम किया। बहुत सारी रुकावटें आई लेकिन अभी आशीष शेलार जी की सहायता से और दूसरे इससे जो अब इनका काम अब आगे बढ़ रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ के रहवासी जो हैं, नरगिसदत्त नगर के जो रहवासी हैं, वो भी इस बात को समझते हुए लाल मट्टी या नरगिसदत्त नगर को जो है बैंड्रा का एक अच्छे से अच्छा हिस्सा बनाने में उनका योगदान करें। और जहाँ तक यह बैंड्रा सोशल ग्रुप की बात है तो हमने 26 जुलाई को जो देखा था, इन लोगों ने दिन रात जैसा इन्होंने कहा, सिर्फ उन्होंने कहा नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने सुना है और सारे लोगों को यहाँ के जितने भी ट्रांजिट कैंप है उसमें पानी जो भर चुका था, हत्ता के हमारी जो यहाँ की बिल्डिंगें हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर में तक 3 फीट तक पानी आ गया था, घरों के अंदर 3 फीट तक पानी था, तो इन लोगों ने जो है सबकी सहायता की, सबसे पहले आगे बढ़े। इन लोगों ने वाकई में न दिन देखा न रात देखा, सुबह के रात के खाना, सुबह का नाश्ता, चाय, हर एक चीज़ से इन लोगों ने बहुत मदद की और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये लोग आगे बढ़ेंगे और हम इनके साथ हैं। जैसा कि इस बार भी बारिश का सीज़न जो है आ चुका है, ठीक है, तो इस बार आप लोगों ने मतलब क्या सोचा है लोगों के बारे में? इस बार भी जैसे इन लोगों ने यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई हुई है, गटर वगैरह के ड्रेनेज वगैरह जो है काफ़ी क्लियर हुए हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आपके पानी नहीं रुकेगा, लेकिन इसके आगे भी अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम सब साथ में हैं, सोशल ग्रुप के बैंड्रा सोशल ग्रुप के साथ में हैं, आशीष शेलार जी के साथ में और हम इंडिविजुअली भी हमसे जिससे जितना हो सकेगा हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे में गौरव सवाल है, जैसा कि ट्विंकल शर्मा करके जो बच्ची थी अलीगढ़ में 30 महीने की, उनके पड़ोसी के साथ में उनका कुछ अनबन हुआ था, तो बताया जा रहा है कि बच्ची का जो है हाथ काटा गया और दोनों आँख निकाली गई, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये इंसानियत नहीं है, ये सिर्फ जानवर ही कर सकता है, कोई इंसान एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इस तरह से नहीं कर सकता, चाहे इसमें किसी मजहब का और किसी कौम का किसी का कोई दखल नहीं होता, ये सिर्फ एक इंसानियत की बात है। हम सबसे पहले इंसान है, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि हम इंसान है, हमारे पास जो खड़े हैं वो इंसान है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जब हम अच्छा किसी का सोचेंगे तो आगे अच्छा ही होगा। आप जितनी नेगेटिविटी अपने अंदर लोगे उतना आप नेगेटिविटी लेके आगे बढ़ोगे, ना खुद कभी खुश रहोगे, ना चैन से रहोगे, ना किसी को चैन से रहने दोगे, तो फिर मुल्क तो बहुत आगे की बात है। जैसा कि ईद के त्यौहार के लिए जो ईद मिलन रखा गया है यहाँ पर, तो अगले बार के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है? अभी तो नहीं सोचा क्योंकि ये पहली बार इन लोगों ने भी स्टेप लिया है, अब आगे देखें। यहाँ पर आगे आपको कैसा लगा? यहाँ पे आगे आपको कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बाकी सब लोगों की बातें सुनकर भी अच्छा लगा, सबसे ज्यादा जो हमारे नौजवानों ने जिनको हमने 2006 से काम करते देखा है, आज वो इस मुकाम पे खड़े हैं कि आज वो सबके साथ बात कर सकते हैं, तो ये देख कर हमें बहुत खुशी हुई। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि बैंड्रा सोशल ग्रुप ने जो है जश्न ईद मिलन का जो प्रोग्राम रखा है, उनके जो ऑर्गेनाइज जिनने किया है वो हमारे साथ में मौजूद है, आज हम उनसे भी जानना चाहेंगे कुछ दो बात। आपका शुभ नाम? अनवर। आज जो सर यहाँ पर जो है जश्न ईद मिलन का जो प्रोग्राम रखा गया है और काफ़ी लोग यहाँ पर देखने को मिले, इस बारे में आप क्या जानकारी दोगे? थैंक यू, इट गिव्स मी अ प्लेजर ऑर्गेनाइज दिस इवेंट
आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम वन एंड ऑल फ्रॉम बांद्रा सोशल ग्रुप। आप सभी का स्वागत है कि आप इस फंक्शन में आए। इस फंक्शन का नाम है जश्न ईद। सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग उपस्थित होकर ये बताएं यहाँ पर कि हम सब एक हिंदुस्तानी है, हम में कोई जात और कोई धर्म और कोई भेद का मत नहीं रखता। बांद्रा इज अ सेक्युलर सिटी, बांद्रा इज अ सेक्युलर सबब, बांद्रा इज अ सेक्युलर सबब। आज प्रूफ हो गया कि सब लोगों ने आकर अपना मत इकट्ठा किया। यहाँ पर यहाँ के अध्यक्ष, मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार साहब आए थे, यहाँ के स्थानीय MLA आशीष शेलार साहब आए थे, NCP के आसिफ बामला, बामला फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आए थे, जहाँ पर खालिद कुरैशी वफक बोर्ड का मेंबर वो आए थे, हमारे जानी मानी हस्ती जरार कुरैशी जो पूरे कुरैशी बरादरी के हेड है वो उपस्थित थे, वो सदर है वो उपस्थित थे। हमें खुशी होती है डॉल्फिन डिसूजा जो एक क्रिश्चियन है, ना किसी ने अपने धर्म के बारे में सोचा, ना कोई कास्ट के बारे में सोचा और यहाँ पर आके उपस्थित हुए। मुझे गर्व से मैं कहता हूँ कि क्लैरी गोम जैसे इंसान यहाँ पर उपस्थित थे। मैं ये गर्व से कहता हूँ कि भोरी समाज हमारे मिस्टर मुर्तुजा गोलवाला यहाँ पर उपस्थित थे। मैं सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। सर, कितने सालों से ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर रखा जा रहा है? ये प्रोग्राम करते करते हमें 29 साल हो गए और हमेशा हम कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम लेते ही रहते हैं। ये ग्रुप ने सबसे बड़ा काम इस मोहल्ले के लिए किया है तो वो ये मस्जिद का काम किया है। ये जो आज बाजार रोड की मस्जिद जो तामीर हुई है ये पूरे ग्रुप का हाथ है। इनकी मेहनत, इनकी मशक्कत, 4 साल पूरा वक्त एक एक साथी ने दिया है इस मस्जिद की तामीर के लिए। मैं इस ग्रुप का सेक्रेटरी होने के नाते इस ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनसे अपेक्षा रखता हूं कि ये ग्रुप हमेशा बढ़ चढ़कर काम ले। आगे बांद्रा के लोगों के लिए जो है आपने मतलब क्या सोचा है? हम बांद्रा में एक ही मोटिव है हमारा कि बांद्रा जल्द से जल्द डेवलप्ड हो जाए और जिसका काम ऑलरेडी आशीष शेलार साहब ने कर चुका है, हमारा ग्राउंड जहाँ पर बेवड़े चर्सी बैठते थे वो गार्डन उन्हीं के लिए था। उन्होंने उस गार्डन पर इतना बड़ा एक्शन लिया और उस गार्डन को ब्यूटीफाई किया, उसको एक जॉगिंग ट्रैक बनाया, एक फुटबॉल ग्राउंड कॉमन लोगों के लिए उन्होंने दिया है कि कॉमन पीपल आकर भी खेल सकता है, नॉट इवन सेलेक्टेड। हम सबसे बड़ा शुक्रिया आशीष सेलर साहब का ये करते हैं कि MET ग्राउंड उन्होंने हम लोगों के लिए खुला कराया है 24 घंटे के लिए। हम कभी भी जाके वहाँ पर अपना बच्चे लोग को ट्रेनिंग फुटबॉल वगैरह खिलवा सकते हैं। हम आशीष शेलार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं टू डेवलप बांद्रा और हम चाहते हैं, उनसे अपेक्षा यही रखते हैं कि वो जल्द से जल्द बांद्रा को एक ऐसा सबब बना दे कि विजिटर्स टूरिज्म अट्रैक्ट हुए बांद्रा में, जिसका एक मिसाल है हमारा प्रोमिनेंट जो उन्होंने बहुत ही बेहतर से डेवलप किया है। वहाँ पर देखो आप, अगर बांद्रा के लोग हैं तो आप देखना कि कितने लोग वहाँ पर हाउसहोल्डर्स आते हैं, एक टूरिज्म अट्रैक्शन वो तो हो चुका है, ऐसे अनेक टूरिज्म बांद्रा में बने। बॉम्बे पे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद है हनीफ भाई, वो भी इस सोशल ग्रुप में जो है जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। आज जो हनीफ भाई जो प्रोग्राम रखा गया है जश्न ईद मिलन का, इस बारे में क्या जानकारी दोगे लोगों को आप? ये हन्नू भाई हमारे है, पूरी हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, हम लोग सबको इनवाइट करते हैं और हम इनके सब प्रोग्राम को सेलिब्रेट अच्छे से करते हैं, इनके लिए थैंक्स अ लॉट। किस तरीके का यहाँ पर प्रोग्राम जो है लोगों के लिए रखा जाता है? ये ईद बारात के लिए इफ्तार का भी प्रोग्राम इन्होंने 300 दिन यहाँ पे फ्री है ना, पूरा इफ्तार के लिए रखे थे सब पब्लिक के लिए कॉमन, और अभी इनने ईद के लिए भी बड़ा प्रोग्राम किए, तो इनके लिए हम लोग खास करके टाउन से भी आते हैं इनके लिए सेलिब्रेट के लिए, और आशीष शेलार साहब वगैरह भी सब आए थे यहाँ पर और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लगा। आगे भी आप ऐसे ही प्रोग्राम करते रहोगे? यस यस, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अगर जब जब ये बुलाएंगे। आपका शुभ नाम? शब्बीर शेख, सदर हूँ बांद्रा सोशल ग्रुप का, और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने अपने तरीके से लोगों की सहायता से अरेंज किया और काफ़ी हम लोगों को सहयोग मिला और काफ़ी लोगों ने हम लोगों को सराहा है और हम ये काम 30-29 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम पहला नहीं है और हम काफ़ी प्रोग्राम लेते हैं और प्रोग्राम लेने के बाद में हम किसी के काम आए ऐसा ही काम हम करना चाहते हैं और हमको यहाँ के बांद्रा के जितने नेता हैं,
सभी लोगों का हमको सहयोग मिलता है, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है और हम काफ़ी काम अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी हमेशा अपेक्षा रही है। जैसे कि बैंड्रा सोशल ग्रुप जो आप लोगों ने जो बनाया है तो उसमें किस प्रकार का जो है काम जो है मतलब किया जाता है लोगों के लिए, यहाँ लोगों को उससे क्या क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? फायदा पहुंचाने का हमारे से ज़्यादा हमारा कमेटी का काम यही होता है कि कोई ज़्यादा तकलीफ में है, मरीज है या कुछ परेशानी में है या उनके और भी कुछ ज़्यादा परेशानियाँ हैं, सारे काम सोशल एक्टिविटीज़ हमारी जो हमारे लोग हैं, हम जितने लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ में, वो सारे के सारे जानकार लोग हैं और वो लोग उनके लिए हेल्प का काम करते हैं बिना किसी लिए दिए, बिना किसी के फायदे का नज़रिया सोचते हुए हर काम हम अपने तरीके से सोचते हैं और करते हैं। इस ग्रुप में कितने लोग आप लोगों से जुड़े हुए सर? हमारे साथ जितने जुड़े हुए हमारे बॉडी के मेंबर तो 11 है और उसके साथ साथ हमारे को काफ़ी लोगों की सहायता मिलती है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं नईम भाई, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम अगर मैं गिनवाऊंगा तो उनकी मतलब गिनती नहीं होगी, हज़ारों की तादाद में हमने लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ है और हर कोई को एक बार अगर हम लोग बुलाते हैं तो हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, हमको इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि आज बारिश का सीज़न भी जो है शुरुआत हो चुकी है, बहुत बड़ी मेहरबानी है, तो इस बारे में आपके जो सोशल ग्रुप ने जो है बैंड्रा के लिए लोगों के लिए क्या क्या मतलब सुविधा की है? यहाँ पर सुविधा का एक ही मतलब है कि जैसे बारिश के मसले से अगर हम लोग बोलते हैं तो हमारे यहाँ के नगर सेवक, उनका भी काम बहुत अच्छा रहा, उनके साथ के जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक फ़ोन करो तो वो एक कॉल पर आ जाते हैं, और MLA के भी जितने लोग हैं वो भी सब एक मतलब यहाँ बारिश का मसला ही 5-6 साल से ख़त्म हो चुका है, जो पहले हम लोग इतने पानी में यहाँ रहा करते थे, ये जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ कभी कभी सर से ऊंचा भी पानी होता था, एक वक्त ऐसा था कि बोट पे शिफ्टिंग किया जाता था, हमको निकाला जाता था, यहाँ के हमारे स्थानिक रह चुके राजा रहबर खान, इन्होंने भी उस टाइम पर बहुत मेहनत किया और आज भी कर रहे हैं, आज उनकी वाइफ मुमताज़ रहबर खान हैं सिटिंग नगर सेवक, और बहुत सारा मतलब उन लोगों का सहयोग रहा है इस एरिया के अंदर, जितने भी हमारे लोग हैं हमारे साथ, हम जिनके साथ जुड़ते हैं, जो हमारे साथ जुड़ता है बहुत सहयोग का काम करते हैं, हमारे एक और नेता है जाहिद अली, जो जाहिद खान स्वाभिमान से, उनसे भी हमने बहुत काम लिए हैं और वो भी बहुत काम किया, उन्होंने मरीजों का काम किया, कई पैसे खर्च हुए, 10-10, 20-20 लाख रुपए का उन्होंने पेमेंट किया है पेशेंट का, और वो भी हमारे कहने पर किया है, हमारे बांद्रा सोशल ग्रुप के कहने पे किया है, हमारे एक मेंबर है जाहिद सिद्दीकी, उन्होंने तो उनसे इतने काम करवा लिया है कि हम उनकी गिनती नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी काम उन्होंने भी किया है। यहाँ पर किसी को मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो लोग से जुड़े हुए नहीं हैं, और कोई यहाँ पर धर्म वाला चक्कर नहीं है कि भाई ये कैथलिक होगा, ये मुस्लिम होगा, या हिंदू होगा, सबका काम सभी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के लिए इन सब लोगों का सहयोग रहा है, और बहुत ही हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे भी आप मतलब बोलना चाहते हो कि आगे भी जो है आपका काम जो है ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल, लोगों हम ये दुआ करते हैं कि लोगों का इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ा रहा तो इससे भी अच्छे प्रोग्राम हम लेने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे, और सब लोगों का साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार जो है मतलब बारिश में भी कोई दिक्कतें का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा? बारिश के लिए तो हम लोग तैनात रहते हैं, जैसे इस 26 जुलाई से लेकर अब तक के हर जगह पर बारिश के लिए अलर्ट हो जाते हैं, BMC बाद में, उसके बाद में हम लोग एरिया के लोग रहते हैं कि भाई कौन कहां पर कितने तकलीफ में है, सभी लोगों का बहुत बहुत ये रहता है। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि शब्बीर जी ने कहा कि यहां पर जो है ऐसी सब सुविधा जो है हमारे ग्रुप ने कर रखा है कि जिससे लोगों को जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और जब भी लोग अगर हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे साथ में। बॉम्बे प्रेस अमजद पठान के साथ। आज जो बैंड्रा में जो ईद मिलन का प्रोग्राम जो रखा गया वहाँ पर खालिद जी भी मौजूद है हमारे साथ में, उनसे भी कुछ जानकारी चाहेंगे जो आज जश्न मिलन जो रखा गया है उस बारे में कुछ जानना चाहेंगे। खालिद सर, जो जश्न मिलन का जो आज बैंड्रा में जो रखा गया है इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा बैंड्रा सोशल ग्रुप को और तमाम बैंड्रा के रेजिडेंट्स को कि इस ईद के मौके पर जो इन्होंने इतना अच्छा शानदार प्रोग्राम रखा। ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आप हज़ारों की भीड़ देख रहे हो, ये सिर्फ मुसलमान नहीं हैं बल्कि ये सब कम्युनिटी के लोग हैं, और ये गेट टुगेदर रखा ईद के मौके पे, सब कम्युनिटी को बुलाया है, यहाँ पे अच्छी बिरयानी बनी है, अच्छी सेवैयाँ खिलाई जा रही हैं, और ऐसा मैसेज एक जहदी का और ऐसा दिया जा रहा है, भाईचारे का मैसेज दिया जा रहा है, मैं इस पर इनको मुबारकबाद देता हूँ। और बांद्रा हमेशा एक स्टार रहा है,
जहाँ पर पीस की बात आती है, जहाँ पर लोगों को मिलने मिलाने की बात आती है, और इसी का आप सबूत देख रहे हैं जो यहाँ पर इतने लोग जमा हैं। हमारे MLA आशीष शेलार जी अभी यहाँ पर आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और उन्होंने ये भी बताया हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कि अक्लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए और बैकवर्ड कास्ट के लिए बहुत सारे काम कर रही है, और हमें पूरा सपोर्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष अमित शाह जी का और महाराष्ट्र स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर राजा है देवेंद्र फडणवीस का। इनकी रहनुमाई में हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम कर रही है। और आशीष जी को जहाँ सवाल है आशीष जी का, तो पूरे महाराष्ट्र में तो काम कर रहे हैं, बांद्रा को लेकर जहाँ के वो MLA है तो यहाँ पर मस्जिदों के बहुत काम हो रहे हैं, मस्जिदों की रीडेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे स्लम के रीडेवलपमेंट्स हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, और हम शुक्रगुजार हैं आशीष जी के कि वो इतना बांद्रा के लोगों के बारे में सोचते हैं। इस बार जो है सर BJP सरकार जैसे कि आई हुई है, तो इस बार क्या लगता है कि आपको कुछ चेंजिंग नज़र आएगा? चेंजिंग तो आप देख ही रहे हो कि पहले हम कम सीट से आए थे, आज हम इतने बहुमत से MP के सीटें जीते हैं, और चेंज आप देखेंगे तो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास जीतने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू सब माइनॉरिटी से, खास करके मुसलमानों से, कि वो आप हमारा काम देखें, BJP पार्टी का काम देखें, और आगे इलेक्शन जो भी हों, जैसे महाराष्ट्र में भी असेंबली इलेक्शन होंगे, तो हमारी पार्टी को सपोर्ट करें। लास्ट टाइम जैसा कि सर लोगों को जो है परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जो पैसे के जो चेंजिंग हुए थे रात 8 बजे, तो इस बार ऐसा कुछ होगा? देखिए इसमें जो वो इसमें काफ़ी लोग जो है परेशान हुए थे, वो जो इशू था वो एक उसमें कोई एक जाति के लोग परेशान नहीं हुए थे या एक जाति के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ था, सबका फ़ायदा और सबका नुकसान हुआ था। और आमतौर पे आप देखेंगे तो जनता ये मान चुकी है कि वो हिंदुस्तान के हित में फैसला था, हिंदुस्तानियों के हित में फैसला था, इसीलिए BJP को इतने सारा बहुमत मिला और वो ज़्यादा सीट से MP के इलेक्शन जीती और कितने और सीट जीती है। उम्मीद है ऐसे और एक्शन नहीं हो, यही दुआ कर सकते हैं। जैसा कि आज जश्न मिलन का जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या आगे के लिए भी इंशाल्लाह आप कुछ सोचे हो? ये प्रोग्राम हर साल जिन लोग रखते हैं, मैं हर साल शहरी का प्रोग्राम रखता हूँ, इस साल मेरे प्रोग्राम जो रिजवी कॉलेज बांद्रा में था तो उसमें 5,000 से ज़्यादा लोग शहरी करके गए, और ये लोग शहरी जो करने आते हैं हमारे सब दोस्त रहते हैं, हमारे अहबाब रहते हैं, वो मुस्लिम्स होते हैं, नॉन मुस्लिम्स होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए, ये हमेशा होता था और हमेशा होता रहेगा। बॉम्बे पर से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप क्या कहना चाहोगे? बस वही जो भाई ने कहा वो सब सही कहा है, तो बस सबका साथ सबका विकास कोई साथ से बात नहीं। पप्पू जी आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा कहा बोला खालिद भाई ने, और माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम हुआ है हर साल होता है और इंशाल्लाह होता रहेगा, ऐसे ही इंशाल्लाह खालिद भाई का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हर साल ऐसे ही होता रहेगा। इसमें सिर्फ मुस्लिम कास्ट की सिर्फ आती है कि हर कास्ट के लोग यहाँ पर आते हैं जश्न मिलन में? इसमें आशीष शेलर साहब भी थे और जो हमारे खालिद बाबू कुरैशी जी आए हैं बांद्रा से पाली हिल के हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह हर साल साथ देते हैं और आपके भी इंशाल्लाह ऐसे चलता रहेगा ये चल रहा है। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए धन्यवाद। बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।